आज दो ऐलान होने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लास से शुरू हो रही है। इससे पहले दो ऐलान होने वाले हैं, एक तो ऐसा है जिसका होम्योपैथिक से बड़ा रास्ता ताल्लुक है, और एक वैसे अमूमी ऐलान है जिसका दूसरे वक्त में मौका नहीं मिल सका, इसलिए ज़रूरी है वो करने वाला। हमने जो ज़ुबानों की क्लास शुरू की थी उसका एक सबक गालबन पहला तो दिखाया जा चुका है, क्यों जी दिखाया जा चुका है ना। उस सिलसिले में जो इस वक्त नया पड़ा है उसकी मैं वजह समझा दूं, और आइंदा के लिए जो प्रोग्राम है वो मैं अभी बता देना चाहता हूं, उसके साथ कुछ ज़रूरी हदायात भी वाबस्ता हैं। ये जो उर्दू की क्लास मैंने शुरू की है ये जारी है मुसलसल, लेकिन इस वक्त के अलावा, क्योंकि इस वक्त थोड़ा था और इस वक्त में उसको जिस तरह मैं शुरू करना चाहता था उसको शुरू नहीं किया जा सकता था। एक घंटा अलग हम रोज़ाना उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि 11 रिकॉर्डिंग तक इस तरह मुकम्मल की जाएंगी, उसके बाद उसको नसफ़ घंटे के 22 दरसों में तब्दील किया जाएगा, और साथ साथ उनके तराजम हो रहे हैं, तराजम नहीं साथ साथ उनके वर्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में वही बात समझाई जा रही है, तर्जमे के साथ नहीं बल्कि महज उन अल्फाज को, या उन अल्फाज काफ़ी नहीं है, महज वो जो तरीक जिस तरीक से उर्दू समझाई जा रही है उसी तरीक को इख्तियार करके बरह रास्त मुख्तलिफ ज़ुबानें समझाई जाएंगी। चुनांचे मेरे साथ जो उर्दू ना जानने वाले बैठे हैं उनको ख़ास तौर पर इसलिए बिठाया गया था कि वो देखें कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आया वो अपनी अपनी ज़ुबान में बग़ैर किसी तर्जमे के अज खुद एक नई ज़ुबान सिखा सकते हैं कि नहीं। तो उन सब ने पूरी तरह इत्मीनान का इजहार किया है कि तर्जमे की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्लास में शमूलियत ये हमारे लिए काफ़ी है, बल्कि अगर सिर्फ वीडियो भी देख लेते आज दो ऐलान होने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लास से शुरू हो रही है। इससे पहले दो ऐलान होने वाले हैं, एक तो ऐसा है जिसका होम्योपैथिक से बड़ा रास्ता ताल्लुक है, और एक वैसे अमूमी ऐलान है जिसका दूसरे वक्त में मौका नहीं मिल सका, इसलिए ज़रूरी है वो करने वाला। हमने जो ज़ुबानों की क्लास शुरू की थी उसका एक सबक गालबन पहला तो दिखाया जा चुका है, क्यों जी दिखाया जा चुका है ना। उस सिलसिले में जो इस वक्त नया पड़ा है उसकी मैं वजह समझा दूं, और आइंदा के लिए जो प्रोग्राम है वो मैं अभी बता देना चाहता हूं, उसके साथ कुछ ज़रूरी हदायात भी वाबस्ता हैं। ये जो उर्दू की क्लास मैंने शुरू की है ये जारी है मुसलसल, लेकिन इस वक्त के अलावा, क्योंकि इस वक्त थोड़ा था और इस वक्त में उसको जिस तरह मैं शुरू करना चाहता था उसको शुरू नहीं किया जा सकता था। एक घंटा अलग हम रोज़ाना उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि 11 रिकॉर्डिंग तक इस तरह मुकम्मल की जाएंगी, उसके बाद उसको नसफ घंटे के 22 दरसों में तब्दील किया जाएगा, और साथ साथ उनके तराजम हो रहे हैं, तराजम नहीं साथ साथ उनके वर्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में वही बात समझाई जा रही है, तर्जमे के साथ नहीं
बल्कि महज उन अल्फाज को या उन अल्फाज काफ़ी नहीं है, मैं वो जो तरीक जिस तरीक से उर्दू समझाई जा रही है उसी तरीक को इख्तियार करके बरह रास्त मुख्तलिफ ज़ुबानें समझाई जाएंगी। चुनांचे मेरे साथ जो उर्दू ना जानने वाले बैठे हैं उनको ख़ास तौर पर इसलिए बिठाया गया था कि वो देखें कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आया वो अपनी अपनी ज़ुबान में बगैर किसी तर्जमे के अज़ खुद एक नई ज़ुबान सिखा सकते हैं कि नहीं। तो उन सब ने पूरी तरह इत्मीनान का इजहार किया है कि हमें किसी तर्जमे की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्लास में शमूलियत ये हमारे लिए काफ़ी है, बल्कि अगर सिर्फ वीडियो में देख लेते तो हम अपनी ज़ुबान इसी प्रोग्राम के ज़रिए सिखा सकते थे। चुनांचे इस तसल्ली के बाद मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजम के लिए फिर तर्जमा गलत लफ्ज़ है, तर्जमा ही वो करेंगे, उनको उर्दू आती नहीं जिन्होंने ज़ुबानें समझानी हैं, उनको ये प्रोग्राम भेज दिए गए हैं ताकि इस प्रोग्राम की मदद से वो अपने जहन में जो कुछ भी ज़रूरी समझते हैं उसको इस्तेमाल करें और अपनी अपनी ज़ुबान सिखाएं। हमारे साथ इस वक्त अरबी प्रोग्राम भरने के लिए हिलमी शाफी साहब शामिल हैं, रूसी प्रोग्राम के लिए रावील साहब शामिल हैं, और एक अफ्रीकन ज़ुबान के प्रोग्राम के लिए अब्दुल वहाब साहब आज़म शामिल हैं, और चीनी ज़ुबान में यही प्रोग्राम पेश करने के लिए उस्मान चीनी साहब शामिल हैं। बाकी शामिल तो नहीं मगर मसलन फ्रेंच के लिए, फ्रांसीसी ज़ुबान के लिए नवीद माठी साहब जो हमारे अमीर साहब हॉलैंड के दामाद हैं, अजीज साहब हिबतुल्नूर के दामाद हैं, वो आए थे, उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। वो कहते हैं मैं न सिर्फ खुद फ्रांसीसी में ये प्रोग्राम पेश करूंगा बल्कि मेरी बेगम चूंकि बहुत अच्छी हॉलैंडिश ज़ुबान यानी जिसको फ्लेमिश कहते हैं वो जानती हैं, इसलिए वो साथ फ्लेमिश का तर्जुमा भी पेश करेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमीद साहब को हॉलैंड प्रोग्राम भेजा जाए, ये नहीं कि उनकी बेगम अच्छा तर्जुमा नहीं कर सकती या मतलब है अच्छी ज़ुबान नहीं जानती, इसलिए कि हर तस्वीर में मैं ही हूँगा सामने और मेरे साथी, तो मेरी आवाज़ जो है वो उर्दू की बजाय उनको फ्रांसीसी में या जर्मन में या किसी और में सुनाई दे रही होगी, यानी जो ग्रुप बैठा हुआ है सामने जो हरकतें हो रही हैं उन्हीं हरकतों के साथ अल्फाज बदलने हैं ना, इसलिए मसलन जब मैं कहता हूँ आप तो उंगली नहीं उठेगी, मैं डॉक्टर साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ आप, और जब मैं कहता हूँ मैं तो मेरी तरफ, तो अगर लड़की की आवाज़ निकले उस वक्त तो अजीब लगेगी। इसलिए तर्जमा के प्रोग्राम में सारे मर्द होने चाहिए वरना वो उसके साथ मुताबकत नहीं खाएगी आवाज़, समझ गए, इसलिए उनको प्रोग्राम भेज दें कि वो तकलीफ ना करें, मजबूरी ये है। और हमीद साहब जो हॉलैंड के हैं उनकी बहुत सुस्ता ज़ुबान है, सारे हॉलैंडिश लोग इकरार करते हैं कि ज़ुबान की नफासत और मेयार के लिहाज से इससे बेहतर ज़ुबानदान हमारे पास नहीं है, और हैं भी बहुत हम्बल और बहुत नेक दिल इंसान और खिदमत पे हमेशा आमादा। उन्होंने सबसे पहले तर्जुमा रिकॉर्ड करके भेजा था, याद है, सब दुनिया को कहा, किसी ने मुकम्मल तर्जुमा नहीं किया सिवाय हमीद के, उन्होंने फौरन हॉलैंडिश ज़ुबान में कुरान करीम का तर्जुमा साथ साथ रिकॉर्ड करके भेजा है। तो उनको आप चाहे फ़ोन पर बता दें मगर यह खत लिख दें, बहरहाल जल्दी उनको भी मिल जानी चाहिए। अब प्रोग्राम ये बनेगा कि मेरे दौरे से आते तक ये सब ज़ुबानें जो हम पढ़ाना चाहते हैं उनकी रिकॉर्डिंग तैयार हो चुकी होगी, और हम उस वक्त इसको शुरू करेंगे जब हमें कम से कम 8 पहली ज़रूरी ज़ुबानों में तर्जुमे मिलकर रिकॉर्ड हो चुके हैं, और सैयद जसवाल साहब की तसल्ली हो गई है कि हम उनको एक दफ़ा शुरू कर सकते हैं, उस वक्त ये प्रोग्राम फिर शुरू किया जाएगा और 22 दिनों पर मुहित होगा, 22 दिनों तक फैला होगा, और उसके बाद इसको फिर
अव्वल से उसी तरह दोहराया जाएगा जिस तरह पहले शुरू किया गया था, क्योंकि जबानियों के प्रोग्राम में मेरी हदायत यह है कि किसी ने याद रखने के लिए जोर नहीं लगाना, बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, बड़े मजे से आराम से बैठ के सुने। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं याद करवाऊं, और जब मैं उर्दू याद करवाने पर मुझे तसल्ली हो जाएगी तो जो बाकी जबानों वाले हैं वो बेख्तियार है इस मामले में, वो लाजमन उतनी दफ़ा रिपीट करेंगे, उतनी दफ़ा दोहराएंगे कि जब मेरी होगी तो उनकी जबान वालों की भी हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। और मजीद एहतियात के तौर पर इसको दोहराया जाएगा फिर। अव्वल तो बाज अल्फाज शुरू में अजनबी लगते हैं, जब बार बार कहे जाएं तो अजनबी नहीं रहते। बाज वर्ब्स यानी अफाल शुरू में कुछ समझ नहीं आती कि किन मानों में इस्तेमाल होते हैं, क्या किन शरायत के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब बार बार कहे जाते हैं तो अज खुद याद हो जाते हैं। ग्रामर पढ़ाकर नहीं बल्कि अज खुद एक जहन के अंदर जो कंप्यूटर है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसमें वो बार बार पढ़ते हैं तो वहाँ नक्श होकर बड़े गहरे तौर पर अपने मानी को वहाँ सब्त कर देते हैं जो अनमिट हो जाते हैं। यही वो तरीक़ है जिससे बच्चे सीखते हैं। तो इंशाल्लाह 22 लेक्चर्स के 44 दिन बन जाएंगे, क्योंकि 22 दर्स दोहराए जाएंगे फिर। और इस सबसे में हम इंशाल्लाह बाकी प्रोग्राम तैयार कर चुके होंगे जो यूरोप के लिए खसूसियत से इस वक्त हमें ज़रूरत है, और बाकी मुल्क दुनिया के लिए भी हम वही मुहैया करने की कोशिश करेंगे। उनमें अंग्रेज़ी, अरबी और उर्दू तो हो गई, अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और जर्मन, ये बुनियादी ज़ुबानें हैं जिनकी अशद ज़रूरत है। और उसके अलावा अल्बेनियन और ये बॉस्नियन, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा इखलास के साथ और बड़ी तादाद में शामिल होने वाले अल्बेनियन और बॉस्नियंस हैं। अल्बेनियन यहाँ यूरोप में आए हैं बड़ी देर से, आबाद हैं, पहले उनकी कोई तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब हर चीज़ तौर पर इज्तमाही तौर पर तवज्जो पैदा हो रही है। तो इनको इनकी ज़ुबान में प्रोग्राम मिलने चाहिए, इसलिए इनको और जो अहमदी इनके साथ काम कर रहे हैं उनको अल्बेनियन और बॉस्नियन आनी चाहिए। इनकी ज़ुबान में प्रोग्राम बन नहीं सकते जब तक इनको कोई और ज़ुबान ना आए, या जो तबलीग करने वाले हैं उनको इनकी ज़ुबान ना आए, इसलिए हम इस मामले में अभी बहुत पीछे रह गए हैं। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं अंग्रेज़ी से तर्जुमा करने के लिए, मगर वो बहुत शाज हैं और फिर भी तसल्ली नहीं होती। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको जितने भी हमारे अहमदी बॉस्नियन, अल्बेनियन वगैरह के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए डिश एंटेना की सहूलतें पहले ही मैं कह चुका हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया होनी चाहिए। उनको उर्दू सीखने पर आमादा किया जाए, और रोज़ाना आधा घंटे का जो प्रोग्राम है उसमें पहले उर्दू सीखें और फिर रिकॉर्ड करके दूसरा हिस्सा अरबी सीखें। तो उर्दू में चूँकि हमारी आम इंस्ट्रक्शन है, अहमदी अक्सर उर्दू जानने वाले हैं, इसलिए मजबूरी है पहले उर्दू को सिखाना लाजम है। लेकिन चूंकि सारी तालीम कुरानी तालीम है, इसलिए अरबी के बगैर सही मानों में कोई इस्लाम का गहरा तसव्वुर हासिल नहीं कर सकता। तो दूसरा होगा अरबी। मेरे इंस्ट्रक्शन यह है कि उर्दू और अरबी एक बरह रास्त सुन लें मुझसे उर्दू मसलन, उसके बाद जो रिकॉर्डेड है प्रोग्राम अरबी का वो चला दें फिर। तो उनका एक घंटा रोज़ का इस तरह हो जाया करेगा सबक के लिए। और तमाम ज़ुबान जो दूसरी ज़ुबानों वाले हैं वो भी इसी तरह एक की बजाय दो ज़ुबानें सीख सकते हैं अगर वो बकाया प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। तमाम दुनिया में जहाँ हमारे मदारिस हैं और अहमदी जो तबलीग का शौक़ रखते हैं या सिलसिले से मोहब्बत रखते हैं उनको उर्दू प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होना चाहिए।
तमाम जामिया जितने हैं अफ्रीका में या बैंकॉक या किसी जगह दुनिया में हैं, वहाँ इसको लाजम कर दिया जाए। और वहाँ भी चूंकि वक्त की सहूलत के पेश नज़र उनको रिकॉर्ड करके प्रोग्राम दिखाना होगा, इसलिए आधा घंटा उर्दू का और फिर आधा घंटा अरबी का, ये पहली ज़रूरत है जो उनको पूरी करनी चाहिए। और ये सारी दुनिया के लिए बराबर हदायत है। बांग्लादेश को भी उर्दू सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में केरला वगैरह की बड़ी मुखलिस जमातें हैं, उड़ीसा की जमातें हैं बहुत मुखलिस, और इसी तरह वेस्ट बंगाल है, वहाँ नई जमातें पैदा हो रही हैं, नेपाल में और बहुत से हिंदुस्तान के ऐसे तबके इलाके हैं जहाँ उर्दू मिट चुकी है। हालांकि इससे पहले जब वो कादियान आया करते थे तो काफ़ी शुद्ध होती थी। तो पहले तो उनको ज़बानी उर्दू सिखाई जाएगी, फिर तहरीरी तौर पर उर्दू के सबक दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों के लिए भी अगर वो पसंद करें तो एक बहुत ही मुफीद प्रोग्राम साबित होगा। इसके लिए जब ये शुरू हो तो उससे कुछ अर्सा पहले इश्तहारात देकर सारे अखबारात में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारा इंटरनेशनल ज़बानों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो इस वक्त से इस वक्त तक हमारे मुल्क में फ़लाँ फ़लाँ चैनल पर सुना जाएगा, उसकी जो ज़ुबानें मुख्तलिफ चैनल्स पर आती हैं उनके नंबर, उनका तरीक़ा, ये बहुत पहले से शुरू हो जाए इश्तहारात के ज़रिए तमाम अहल मुल्क को बताना और खसूसियत से अहमदी जमातों को मुतले करना और उनके लिए रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम और फिर क्लासेस का इंतज़ाम। इस तरह हम इंशाल्लाह एक साल के अंदर ये जो बड़ा मसला है ज़ुबान का ये हल कर लेंगे, क्योंकि तबलीग के साथ जो बेशुमार नए ममालिक आए हुए हैं उनको मिलकर देखते रहते हैं, दूसरे को पता नहीं लगता बात कैसे करनी है, और मुतरजम भी हर दफ़ा अच्छा नहीं मिलता और बाद मिलते ही नहीं। तो मैं एक दूसरे से चेहरे एक दूसरे के चेहरे देखकर नज़र की प्यास बुझाते हैं, मगर दिल की भी नहीं बुझती और दिमाग की भी नहीं बुझती। उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ख़ल्क़ानी ने भी कम्युनिकेशन के लिए सबसे पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, ख़ल्क़ल इंसान अल्लामहुल बयान, अल्लाह ताला ने अर्रहमान अर्रहमान खुदा ने क्या किया, ख़ल्क़ल इंसान इंसान को पैदा फरमाया, अल्लामहुल बयान उसको बयान सिखाया, क्योंकि बयान के बगैर अल्लाह से रब्ता हो ही नहीं सकता था। तो बयान ही ने दोनों रब्ते कायम किए हैं बैनुल इंसानी और इंसान और खुदा के दरमियान। तो यूनिवर्सल जमात के लिए लाजिम है कि बयान की तरफ खुसूसी तवज्जो करे। इसलिए ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ ये कोई मामूली अहमियत नहीं रखता, बहुत गैर मामूली अहमियत का हामिल है। जमात के मुस्तकबिल के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारी दुनिया में हर अहमदी जो उर्दू नहीं जानता वो उर्दू सीखना शुरू करेगा, क्योंकि एक साल के तक इंशाल्लाह उनको हम पढ़ना लिखना भी सिखा देंगे, फिर वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कुतुब को बराह रास्त पढ़ सकता है। ये जो तराजम के बेशुमार मराहिल हैं वो सब एक तरफ रह जाएंगे और फिर उनमें से ही बहुत अच्छे अच्छे तर्जमे करने वाले पैदा हो जाएंगे। अब जो तर्जमा दर तर्जमा तर्जमे का रिवाज है ये तसली बख्श नहीं है, पहला तर्जमा ही तसली बख्श नहीं होता। अंग्रेजी में भी हमने तर्जमे दिखाने शुरू किए हैं, हमारी एक टीम है जिसमें ख़ासतौर पर लजना की तरफ से बहुत तावन मिल रहा है, लजना की तालीम याफ्ता बच्चियाँ हैं जिनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और उनको मुझे उर्दू नहीं आती, उन टीमों के साथ मुझे बैठकर उनको उर्दू में समझानी पड़ती है और साथ फिर मदद करनी पड़ती है तर्जमे में, जब तक मुझे तसली ना हो उस वक्त तक हम और सोचते रहते हैं अल्फाज को। तो हमने देखा कि बहुत सी ऐसी किताबें जो बज़ाहिर तर्जमा हो चुकी थी उनमें बहुत नक्स नज़र आए हैं, ज़ुबान के नक्स मज़मून गलत हो चुके हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उर्दू इस्तेमाल की जिसमें लंबे लंबे फ़िक्रे हैं और के साथ वो फ़िक्रे चल रहे हैं, बिल्कुल अजनबी नहीं लगते, लेकिन जब उनका एक तर्जमा एक ज़ुबान में मुसलसल तर्जमा करें तो आधे सफ़े पर एक अंग्रेज़ी का फ़िक्रा जब आता है तो अंग्रेज़ी का दिमाग बिल्कुल उसके समझने से आगे हो चुका होता है, इतना लंबे सांस के साथ अंग्रेज़ी में रिवाज नहीं है।
और एंड एंड का इतना रिवाज नहीं है, और हम लोग आदि हैं अरबी, अरबी में भी ये रिवाज है, कुरान करीम में भी ये उसलूब है कि वाव के एडिशन के साथ हम जहाँ वाव आती हैं पहले एक मज़मून को जज्ब कर लेते हैं, फिर और फिर और फिर और फिकरा चाहे बज़ाहिर एक हो हम ज़हनी तौर पर उसको तोड़ते रहते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, मगर इंग्लिस्तान अंग्रेज़ी ज़बान में ये नहीं है। अब अंग्रेज़ी ज़बान में जब एक लंबा तर्जुमा हम देखते हैं तो आखिर तक पहुँचते पहुँचते कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, क्योंकि आपका जो तस्वुर हम दुनिया में पेश कर रहे हैं वो बज़ाहिर लफ्ज़ों से वफा कर रहे हैं और मसीह अलैहिस्सलाम से बेवफाई कर रहे हैं, फिर हकीकत बेवफाई कर रहे हैं। तो लफ्ज़ों की वफादारी उस हद तक करने की, इख्तियार करने की इजाज़त है जब तक मज़मून से बेवफाई न हो, जहाँ मज़मून से बेवफाई हो वहाँ लफ्ज़ों की वफा जुर्म है। इस नुक्ते नज़र से जो मैं टीम तैयार कर रहा हूँ आइंदा मुस्तकबिल में तर्जुमे करने की खातिर उनको वक्त दे रहा हूँ ताकि वो मेरी निगरानी में तर्जुमे का असलूब सीखें और उनको ये बारीक बातें बताऊँ कि कहाँ अल असल से हटने की इजाज़त है, कहाँ असल के साथ वाबस्ता रहना ज़रूरी है और किस हद तक वो लफ्ज़ों से हट सकते हैं। मसलन एक मुहावरा है, उस मुहावरे का अगर बयान ही वैसा मुहावरा दूसरी जुबान में मौजूद है तो उस मुहावरे को अख्तियार करना चाहिए, वरना तो बात वहाँ दूसरी जुबान में ना समझ आएगी बल्कि तनस्खर सा लगेगा। कई ऐसे मुहावरे हैं जैसे 9-2-11 हो गया, मैंने कल अपनी जुबान में भी बताया था जुबान के तर्जुमे में, मैंने कहा 2 सबक हम कर चुके हैं, 9 और रहते हैं, जब 9 हो जाएंगे तो मैं 9-2-11 हो जाऊंगा। अब इसको अंग्रेजी में मैं कह दूँ कि ये कहता कि आई विल बी 9 into 11, तो एवरीबॉडी वुड थिंक आई एम मैड मैन, इज जस्ट रेविंग। हर आदमी यही समझेगा कि मैं पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, एक जिससे बुखार में इंसान बहकता है। इसलिए जरूरी है कि वो तर्जुमा किया जाए मुहावरे में जिसका मुतबादल मुहावरा मौजूद है, खा अल्फाज मुख्तलिफ हों, वो बहुत खूबसूरत तर्जुमा लगता है। लेकिन कोई मौलवी कह रहा है कि नहीं आपने मुसीम के लफ्ज़ को छोड़ कर ये कर दिया है, मुझे कोई परवाह नहीं, कहता फिर वफा तर्जुमे में मुसन्निफ से होनी चाहिए, उसके मजमून से होनी चाहिए, उसके तर्ज कलाम से होनी चाहिए, और लफ्ज़ों की वफा की सिर्फ वही इजाज़त है जहाँ लफ्ज़ के मजमून को से हटते हैं तो ख़तरा है कि उसमें मुदाखलत शुरू हो जाए, ख़तरा है कि उसमें कतर बवंद शुरू हो जाए, और जिसको कुरान करीम का मुहावरा तहरीफ कहता है, बस तहरीफ की इजाज़त नहीं है। तहरीफ से वरे वरे मजमून को खूबसूरती के साथ जहाँ तक मुमकिन है दूसरी जुबान में मुंतकिल करना ज़रूरी है। जहाँ मजमून की कुर्बानी ना देनी पड़े और फिर मुहावरे के करीब रहा जाए, ये बेहतरीन तर्जुमे का असूल है, उसमें फिर वक्त लगता है। चुनाचे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जिन कुतुब का हम तर्जुमा दोहरा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें इस असूल को पेश नज़र रखा हुआ है कि बावजूद इसके कि बामुहावरा तर्जुमा दूसरा भी मुमकिन है, जल्दी बात ख़त्म हो जाती है, मगर अगर ये मुमकिन हो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज आपकी तरतीब आपकी तर्ज बयान के करीब तरीन रहें और फिर भी बामुहावरा हो, तो इससे बेहतर और कोई असलूब नहीं है तर्जुमे का। तो अब जो मैं तरबियत दे रहा हूँ, साथ शामिल हूँ तर्जुमा करने में, इसमें यही पेश नज़र है ताकि हमारे यंग जो नस्लें हैं उनको ये तर्जुमे का सलीका आ जाए, और इसी तरह बाहर से जो तर्जुमे आ रहे हैं उन सबको पहले तो जिस तरह आँखें बंद करके कह दिया करते थे बड़ा अच्छा तर्जुमे दे दो, अब भी हम ये करते हैं, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि बाज़ बहुत ही ख़तरनाक गलतियाँ नज़र के सामने आई हैं जो अगर नज़र के सामने ना आती तो बिल्कुल बाज़ लघव मज़मून मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हो जाते हैं। फारसी का कलाम है, बड़ा अच्छा तर्जुमा करने वाले बेहतरीन अंग्रेजी दान पुराने बड़े चोटी के तजर्बाकार असातिज़ा या अहले क़लम हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसको मज़मून नहीं समझे,
और जो तर्जमा किया है वो बिल्कुल असल से हट गया है, बल्कि बाज़ दफ़ा बच्चगाना सी बात दिखाई देती है। तो वो ऐसी बातें सामने आने की वजह से अब ये मजबूरन ये एहतियातें हो रही हैं। बस ज़ुबानों के प्रोग्राम को गैर मामूली अहमियत देने की ज़रूरत है। अब हमारे जाने जहाँ भी हैं, अगर अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो 8-10 बजाय 2 चैनल्स के 6-7 चैनल्स की रिकॉर्डिंग कर लें, उर्दू बराह रास्त सीख लें, अरबी की रिकॉर्डिंग उसके बाद सुन लें, फिर वो जब चाहें अंग्रेजी कोर्स अंग्रेज पढ़ाएगा इनको, अरबी अरब पढ़ाएगा। और हमारे लिए कैसे मुमकिन था कि हम 1 लाख उस्ताद मुकर्र करते दुनिया में, जो जमात की जरूरत है उसके लिए 1 लाख नहीं तो कम से कम 8-10 हज़ार तो उस्ताद जरूरी हैं जो बढ़ती जाएंगी जो जरूरतें। तो अल्लाह ने यह बहुत एहसान फरमाया, अगर हमारे ज़ुबान के प्रोग्राम, जैसा कि मैं उम्मीद रखता हूँ अब क्योंकि मैंने खुद शुरू किया है और जवाबन साथ शामिल लोग मुझे तसल्ली दिला रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारी आइंदा ज़ुबान की ज़रूरतों को इंशाल्लाह बहुत उम्दगी से पूरा करेगा। असातिज़ा की ज़रूरत तो रहती है मगर बहुत कम रह जाएगी, और ये ख़तरा टल जाएगा कि एक पाकिस्तानी अरबी पढ़ा रहा है, एक हिंदुस्तानी चीनी ज़ुबान पढ़ा रहा है, फर्जी के वो लोग जिनको असल ज़ुबान का पता कुछ नहीं, जहाँ वो पैदा नहीं हुए, वो चंद डिग्रियाँ हासिल करके ज़ुबान पढ़ाने लग जाते हैं, ये नाकाफ़ी है, समझ रहे हैं। तो ये सारी दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं वो तैयारी कर लें, कितने दिन तक इंशाल्लाह 15-20 दिन तक हम शुरू कर सकेंगे प्रोग्राम, उससे पहले आपको ऐलान करने होंगे बार बार कि प्रोग्राम आ रहे हैं और ये तारीख है, और जो मैंने कहा है इसका भी खुलासा बार बार पहले बयान कर दिया करें, फिर इंशाल्लाह ताला हमारे जो प्रोग्राम हैं वो उनको सही मानों में उनसे इस्तेफादे के लिए तमाम जगह जमातें तैयार होंगी। अब मैंने अफ्रीका वालों को कह दिया, मैंने वहाँ आके आप सबसे उर्दू में बातें करनी है, आपकी जिम्मेदारी है, और अल्बानियाज़ को पैगाम भेज दिया, वो मुझे कह रहे थे कि आप हमारे पास आएँ, अब हम जिस तरह जर्मनी में जलसा हुआ उस तरह आप जाके अल्बानिया में भी करेंगे। तो मैंने उनको पैगाम भेजा, पहले आप मुझसे उर्दू बोलने के काबिल हो जाएं, फिर मैं आपसे बहरास बातें करूँगा। तो कितना मज़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया एक हाथ पर इकट्ठी हो रही है, ज़ुबान पर इकट्ठी हो रही है, फिर अरबी जो कुरान की असली ज़ुबान है उस पर इकट्ठी हो जाएगी, और ये जो मसाइल हैं बैन अल-अक़वामी कम्युनिकेशन के ये हल हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1। अब है कॉलरा, जिसका ताल्लुक इस क्लास से है। इससे पहले मैंने हदायत की थी कि जो मुस्लिम रवांडा के रेफ्यूजीज वगैरह हैं महाजरीन, उनमें बड़ी शदीद हैजे की, जिसे कॉलरा भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, वबा फूटी हुई है, उसके लिए होम्योपैथिक अदविया उनको बताई थी। हमारा ज़ाहिर से रबता है, टेलीविजन कवरेज से बैठे सुन रहे हैं, और उनकी तरफ से डॉक्टर साहब की जो बेगम साहब हैं उनकी तरफ उनका ख़त भी मिला है, खुशी का इजहार किया, मगर ये तो बताया है कि कुछ इमदादी कार्रवाई हुई है, ये नहीं बताया कि होम्योपैथिक इलाज के लिए टीमें बनाकर वहाँ भिजवाई गई हैं कि नहीं। और ये असल काम तो हमारे मुबल्लिग साहब का है, जो अमीर इंचार्ज हैं इस वक्त, पहले सदीक साहब तो आजकल पाकिस्तान गए होंगे फैमिली के साथ, लेकिन जो नए इंचार्ज हैं गालिब मुबशर, क्या नाम है उनको कुछ पता, इस वजह से नाम उतर गया। बाल जो भी मैं मिला हुआ उनसे, मैं जब गया था अफ्रीका के दौरे पे तो कीनिया में उनसे मुलाकात हुई थी, वो सब रास्ते पे थे, ज़ाहिर जा रहे थे, माशाल्लाह उन्होंने काम बहुत अच्छा संभाल लिया, वो टीमें बनाएं और जिस हद तक इमदाद होनी चाहिए दूसरी, उसके लिए भी बाकायदा मनसूबा बनाकर लिखें, जितने ज़ायद खर्च की ज़रूरत है वो मुझसे मुतालबा करें, लेकिन हैज़े की टीम के लिए जो रोकथाम और इलाज की टीमें वो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे सस्ता और इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज और मुमकिन नहीं है। जो वैक्सीनेशन के ज़रिए प्रिवेंशन की जाती है, वो जो टीका लगाते हैं, उसकी तैयारी, उसका हर एक तक पहुँचना बहुत भारी काम है और बेशुमार अखराजात को भी चाहता है। होम्योपैथिक दवाएँ
गोलियां मीठी गोलियां मुंह में डाल दें, थोड़ी सी शीशियां प्लास्टिक की उनके पास हों तो देते चले जाएं, उनको बता दें कि चंद दिन रोजाना एक दफ़ा खा लो। वो टीके जैसा अगर नहीं तो बहुत हद तक दो काम करती हैं, अव्वल या होगा ही नहीं हैज़ा, या होगा तो बिल्कुल माइल्ड और मामूली तकलीफ देकर छोड़ा जाता है, और अगर हो जाए तो फिर दूसरी दवाएं भी मौजूद हैं जो खुदा के फजल से हैज़े में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, इसलिए उनके मुतल्लिक मैं आज दोबारा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हैज़े की वबा अब मशरक़ी बांग्लादेशी सारों से माफ़ी मांगता हूँ, बांग्लादेश में भी फूट रही है और हिंदुस्तान में भी कई इलाकों में इत्तला मिली है कि वबा बड़ी तेज़ी से फूट रही है। गालबन हमारी जहाँ जमाते हैं ज़्यादा इधर नहीं नहीं इधर नहीं ये बिहार और उसके साथ है क्या नाम है हैं केरला तो बाहर से दूर है काफ़ी, उड़ीसा उड़ीसा और बिहार वगैरह की तरफ इतलाएँ मिली हैं कि वहाँ हैज़ा फूट रहा है, और चूंकि सैलाब वगैरह आ रहे हैं कादियान वगैरह के इर्द गिर्द भी ये इम्कान ख़तरा है इस्तेमाल है कि वहाँ भी हैज़ा फूटे या फूट चुका होगा गालबन, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से वबा फैलती है और जरासीम इसके बड़ी तेज़ी से बड़े होते हैं। इस पर हम एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक फिल्म भी दिखाएंगे जो कल मैंने देखी है, हमने उनसे कुछ फिल्में मंगवाई थी दिखाने के लिए, वो अंग्रेज़ी में है, मैंने इनसे कहा कि फौरी तौर पर उसका तर्जमा कर लें और उर्दू में अच्छा तर्जमा हो तो फौरन शुरू कर दें, तो अंग्रेज़ी भी और उर्दू भी दोनों में एक तो जो हॉरर्स हैं वो भी ज़्यादा तकलीफ तो होती है लेकिन उससे एक फ़ायदा होगा कि खिदमत करने का जज्बा ज़्यादा उठेगा और टीमें ज़्यादा ज़ाती जोश और वल्वले से खिदमत पर आमादा होंगी। सिंध में भी हैज़ा फूट पड़ा है और इधर जो सिंध का जनूबी इलाका है ज़ेरी इलाका इसमें बहुत बारिशें हो रही हैं, हमारे कुंडली की तरफ भी और जो मिठी वगैरह नगर पार्क का इलाका है, लेकिन ख़ास तौर पर जो ज़ेरी इलाके हैं सिंध के उनमें हैज़े की वबा बहुत तेज़ी से फूट रही है। कराची में भी ख़तरा है क्योंकि वहाँ हाइजीन का कोई इंतज़ाम नहीं, गंदगी है, इसी तरह बाज़ दूसरे अफ्रीका के ममालिक में इससे भी इतला मिल रही है, तो इस वक्त एक आलमी तौर पर हैज़ा फैल रहा है। उसके लिए मैं दोबारा ताकीद करता हूँ नहायत मामूली कीमत पर कसरत के साथ बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँच सकता है, सारी जमातें टीमें बनाएं, रोकथाम की कार्रवाई भी करें और जहाँ हैज़े के मरीज़ हों वहाँ उनके इलाज की भी कोशिश करें, पानी की लिए अपनी तैयारी रखें, अपना पानी साथ लेकर चलें, अगरचे हाइजीन के ज़रिए इख्तियार किए हों तब भी ये जायज़ नहीं है कि इंसान अपने आप को किसी मामूली ख़तरे में भी डाले, इसलिए जो टीमें हैं वो अपने पानी का इंतज़ाम करें या पानी उबाल कर पीने का जहाँ भी जाएं उसके लिए पूरे सहूलतें साथ लेके जाएं, ऐसे बर्नर वगैरह साथ ले जाएं जिससे स्टोव वगैरह टाइप की जहाँ जो चीज़ मिलती है, तो ये एहतियातें हैं जिनके साथ आपने वहाँ खिदमत करनी है। अब मैं दवाओं में बताता हूँ, सल्फर दवाओं में से नुमाया तौर पर किताबों में मज़कूर है जो प्रिवेंटिव के तौर पर काम आती है, जहाँ वबा फैली है वहाँ सल्फर शुरू करा दें, लेकिन मेरा एक और दवा है आर्निका जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, आर्निका में भी सेप्टिसीमिया और इस किस्म की चीज़ों की प्रिवेंशन बहुत गहरी तौर पर पाई जाती है, इसलिए आर्निका इसको साथ में लाया जाए। आर्निका की एक और ख़ूबी है जो आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखता मज़मून में इसमें बेशक आपको तफसील से समझा देता हूँ, आर्निका शुरू किया हुआ है ना हमने, आर्निका लोग आमतौर पर चोटों के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बहुत ही गहरी और बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। एक तो जैसा कि मैंने बयान किया है सेप्टिसीमिया के लिए औरतों को वज़े हमल से पहले अगर दे दी जाए
तो वलादत से पहले, उसको वजह हमली कहते हैं ना जी, उससे पहले अगर दी जाए कुछ दिन तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बुखार नहीं पैदा होते, हाइजेनिक कमजोरियों की वजह से जो इन्फेक्शन का ख़तरा है उसके लिए तो आने का बहुत ही ज़रूरी है। गरीब ममालिक में अक्सर ऐसी औरतें बेचारी फिर सारी ज़िंदगी मुसीबत में मुबतला रहती हैं, क्योंकि दाइयाँ गंदी, कपड़े गंदे, एहतियातें नहीं होती पूरी, गुर्बत की जितनी मुसीबतें हैं वो साथ लाहक होती हैं। इसलिए आर्निका तो मुफ्त की दवा है, ये तो सारी दुनिया में पैदाइश से पहले देने का अहमदियों को रिवाज कर देना शुरू कर देना चाहिए, और अपने हमसायों और ताल्लुक वालों को भी बताएं। दूसरा है इसको सल्फर से मिला दिया जाए। इसमें दूसरी खूबी यह है कि मलेरिया का प्रिवेंटिव है, जिसका लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका में जो मलेरिया के इलाके हैं खसूसियत से, वहाँ की जमातों को भी जहाँ मलेरिया की का रुझान पाया जाए या ख़ास तौर पर बैरूनी मुबल्लिगीन को, तो बाकायदगी से आर्निका का कोर्स लेना चाहिए। चंद दिन रोज़ाना एक 200 की खुराक ली जाए तो कोई नुकसान नहीं है, 10-15 दिन लें तो उसके मलेरिया के खिलाफ वाज़े मुदाफ़त पैदा हो जाती है, और टाइफाइड के खिलाफ भी। इसलिए बहुत गहरी दवा है, जिससे जितना इससे फ़ायदे का हक था नहीं उठाया गया, क्योंकि अक्सर किताबों और दरसों में बस यही बात इतनी दोहराई जाती है कि चोटों की दवा कि बाकी तरफ तवज्जो नहीं रहती। इसको भी इसमें शामिल करना है, क्योंकि वो मौसमी असरात जिनमें हैज़ा फूटता है, वही मौसमी असरात मलेरिया के लिए भी मुमिल होते हैं और टाइफाइड के भी। तो अल्लाह ताला के फजल से ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। सल्फर और आर्निका मिलाकर अगर ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 दफ़ा भी दी जा सकती है, मगर 1 दफ़ा रखें तो बेहतर है प्रिवेंटिव के तौर पर। जी 200, मेरा तजुर्बा 200 का है, लेकिन डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि बाज़ केसेस में अगर इसको ऊंची ताकत में दिया जाए, बहुत ऊंची ताकत में, तो बहुत मुफीद रहती है। और कैंट का मेरा तजुर्बा है कि वो सही बात लिखते हैं। अक्सर होम्योपैथ मुआवजे से काम ले जाते हैं, सुनी सुनाई बातें बयान कर देते हैं, और फिर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा नहीं निकलता, मायूसी होती है। मगर कैंट ने के मुतालिक मैंने देखा है, जब भी जो बात लिखता है समझाकर अल्लाह के फजल से वो ज़रूर ठीक निकलती है। तो इसलिए ये आर्निका का ऊंचा इस्तेमाल जो है 1 लाख वाला या 10,000 वगैरह, इसको भी पेश नज़र रखें। प्रोफिलेक्टिक के तौर पर इसको प्रिवेंटिव भी कहते हैं, यानी बीमारियों की मुदाफ़त पैदा करने के लिए, हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के लिए आर्निका की ऊंची डोज भी दे के देखें। लेकिन मैंने 200 में इसलिए बताया है कि मैंने अब तक कभी प्रोफिलेक्टिक के लिए ऊंची ताकत में इस्तेमाल नहीं की, इसलिए हैज़ा के दिनों में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन और मलेरिया की रोकथाम के लिए मसलन ये तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अचानक आई और ले बैठी। हैज़ा तो वक्त नहीं देता, वो तो चंद घंटे की बात है और तड़प तड़प के मरीज़ हाथ से निकल जाता है। इसलिए वहाँ तो एहतियात ही करें, लेकिन मलेरिया के इलाकों में, टाइफाइड के इलाकों में ऊंची ताकत में आर्निका का इस्तेमाल करा के फिर मुझे बताएं कि उसका क्या असर देखा गया है। दूसरी चीज़ है मलेरिया जब हो जाए, हैज़ा हो जाए तो उसके लिए जो चंद 3 दवाएं तो अमूमन किताबों में मज़कूर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो उसके अलावा इस्तेमाल होने का इम्कान है, और ज़रूरी नहीं कि उन 3 में ही रहा जाए। इसलिए उन 3 आम मशहूर दवाओं के अलावा भी मैं कुछ आपको अब बताऊंगा। पहली दवा है क्यूप्रम। क्यूप्रम पेट के तशन्नुज की और नहायत खौफनाक किस्म के तकलीफ दे तशन्नुज की
चोटी की दवा है। ऐसा तशन्नुज जिसके असर चेहरे पर जाहिर होता है और निलाहट पैदा हो जाती है, जिसका मतलब है कि खून की नालियां हर तरफ या मसल्स सिकुड़ गए हैं और उसकी वजह से जो स्टेसिस की अलामतें पैदा होती हैं वो चेहरे पर निलाहट के रंग में आ जाती हैं। और दूसरे इसकी अलामत यह है कि हाथ पांव मुड़ते हैं, और अक्सर मसल मिर्गी का मरीज भी जो जिसमें क्यूपरम बहुत मुफीद है, उसके तशन्नुज का आगाज उंगलियों और हाथों से होता है और पांव से। तो एक्सट्रीमिटीज जिनको कहते हैं, इंसानी जोड़ों के किनारे, इंसानी अज़ा के किनारे, वहाँ से तशन्नुज शुरू होकर अंदर की तरफ हरकत करता है। तो ये अलामत तो साफ पहचानी जाती है, और बाज़ दफ़ा गर्दन भी पीछे की तरफ मुड़ जाती है, अकड़ जाती है। और बल बड़ा खौफनाक है, जो एक ऐसी अजियतनाक चीज़ है कि उसको देखना भी मुसीबत है। तो उसमें क्यूपरम की एक दो खुराकें खुदा के फजल से बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। दूसरा है अपना कैम्फर। कैम्फर अमूमन बाल लोग छोटी ताकत में इस्तेमाल करते हैं, 6x वगैरह में या छोटी में। मेरे नज़दीक तो 30 में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए बहुत लो जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 में, या अगर कोई अपनी पसंद रखता हो, बाद लोगों को छोटी ताकत पे ज़्यादा इतमाद होता है, छोटी में भी काम करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 6x तक या 3 पोटेंसी तक। ये उस तरह प्रोफिलेक्टिक नहीं है जिस तरह सल्फर और आर्निका हैं। इन हिफ्ज़ मातकदम की दवा बनता तो है, मगर उस वक्त हिफ्ज़ मातकदम ही कहना चाहिए, आगाज़ के वक्त जब बीमारी शुरू हो जाए, शुरू की इलामतों में अगर इसको दिया जाए तो हैज़ा डेवलप नहीं होगा। खाम खाई में क्यूबरम बाल ख़त्म कर बैठा, अब उसकी बात ही नहीं हो रही, अब तो बिल्कुल और जून चल पड़ा है। क्यूबरम मैंने कहा था तशन्नुज की इलामत है, पेट में तशन्नुज हो, ऐसे मरीज को असहाल भी थोड़े थोड़े आते हैं, यानी मुसलसल नहीं जारी रहते क्योंकि वो रुक जाते हैं। अंतरियों में तशन्नुज इतना सख्त होता है कि वो असहाल को इकट्ठे बाहर फेंक ही नहीं सकती, तो तशन्नुज की वजह से उसमें तवक्कुफ होता चला जाता है। लेकिन इस वजह से लोग कहते हैं थोड़ा दस्त, हालांकि ये थोड़े दस्त वाली बात नहीं है, उसका पेट फूलता जाता है ऐसे मरीज का। और कैम्फर में भी ये इलामत इस लिहाज से मुशाबे है, तशन्नुज उतना सख्त नहीं, लेकिन कैम्फर का मरीज भी चूंकि ठंडा पड़ जाता है जल्दी, इसकी पहचान ये है। अव्वल तो मैंने बताया ना, प्रोफिलेक्टिक के तौर पर नहीं, आगाज़ में बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए कोई दूसरी इलामत का इंतज़ार ना किया जाए, जहाँ हैज़े की इलामत शुरू हुई वहाँ फौरन कैम्फर दे दें। तो इल्ला माशाअल्लाह वक्त पर दिया हुआ कैम्फर काम आ जाता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर हैज़ा हो चुका हो तो फिर कैम्फर की क्या पहचान है? फिर कैम्फर की पहचान होगी तो काम करेगी। फ़र्क यह है कि शुरू में तो हमें तो पता नहीं किस किस्म का हैज़ा है, हर किस्म के हैज़े के आगाज़ में कैम्फर काम करेगी, क्योंकि कैम्फर हर बीमारी के आगाज़ में यही असर दिखाती है, ये कैम्फर का मिजाज है। इन्फ्लुएंजा होने लगा है, अगर शुरू में ही आप कैम्फर दे दें तो ये हरारत गरीबी को उठाती है, और इन्फेक्शन के लिए जो गिरा हुआ टेम्परेचर दरकार है वहाँ वो दर्जा हरारत को उठा देती है। नज़ला जब होने लगता है तो नज़ले नाक के अंदर जो झिल्लियाँ हैं जहाँ नज़ले का आगाज़ होता है वहाँ वक्ती तौर पर कुछ दर्जा हरारत गिर जाता है, और जो दिफा की कुदरती ताकत है वो उस हिस्से को मुहैया नहीं होती, और कमज़ोरी का एहसास है जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर ठंड वहाँ महसूस होती है। एक स्पॉट है जो निस्बतन बाकी जो टेम्परेचर से ठंडा हो जाएगा, उस स्पॉट पर या उस हिस्से पर बैक्टीरिया असर दिखाते हैं, जब वो पल जाते हैं और ताकत में आ जाते हैं फिर वो गर्मी सर्दी की बहस ख़त्म हो जाती है, फिर वो हर तरफ बड़े ज़ोर से हमला करते हैं। तो इस
ابتدائی کمزوری کے وقت جبکہ جسم کا کوئی حصہ ٹھنڈا ہو جائے یا سارا جسم بعض دفعہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دفاعی طاقتوں سے محروم رہ جاتا ہے, کیمفر بہترین دوا ہے. سمجھ گئے؟ بیماری کے نتیجے میں اگر جسم ٹھنڈا ہو جائے, مثلا دل کا حملہ ہوا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, بلڈ پریشر گر رہا ہے, موت کے قریب مریض پہنچ چکا ہے, وہ جو ٹھنڈا ہونا ہے وہ کیمفر کا موقع نہیں, وہ کاربوویج کا موقع ہے. تو وہ جسم کا ٹھنڈا ہونا یا اعضاء کا ٹھنڈا ہونا جو بیماری کے آغاز میں ظاہر ہوتا ہے اس میں کیمفر علاج ہے, اور جو بیماری کے بڑھ جانے کے بعد جب ہیلے سب جاتے رہتے ہیں اس وقت جو کیمفر سے ملتی جلتی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کا علاج کاربوویج ہے, کیمفر نہیں ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو حیضے کے تعلق میں پہلے میں بات ختم کر لوں پھر آدمی کی طرف واپس آؤں گا. حیضے کے تعلق میں یاد رکھیں کہ کیمفر کی علامتیں یہ ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے, بہت معمولی اجابت ہے لیکن اندر تشنج اتنا سخت نہیں ہے اس کا, لیکن کمزوری اور ٹھنڈے پسینے اور ریزولوشن نہیں ہو رہا, جس کو ریزولوشن کہتے ہیں جسم کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور گرمی کی علامت ظاہر ہو جائیں, وہ ہوتی نہیں. اور ٹیمپریچر بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتا, بعض دفعہ گر چکا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیمفر سب سے اچھا علاج ہے. اب دوسرا ہے, ایک اور دوا جو زیادہ تر بیان کی جاتی ہے وہ ہے وریٹرم ایلبم. وریٹرم ایلبم میں بھی تشنج بہت پایا جاتا ہے مگر پنڈلیوں کا. کیوپرم میں ہاتھوں کا بھی پاؤں کا بھی اور پیٹ کے اندر کا تشنج بہت نمایاں ہوتا ہے. وریٹرم ایلبم میں پیٹ کے اندر کا تشنج اتنا نہیں ہوتا جتنا پنڈلیوں کا, اور بڑے اذیت ناک تشنج ہوتا ہے پنڈلیوں میں. لیکن اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ بہت کھلے اسال جو آنن فانن پانی کو نچوڑ دیتے ہیں, جسم کو پانی سے نچوڑ کر جسم کو پانی سے خالی کر دیتے ہیں. اس لیے جہاں بڑے اسال ہوں, بڑی قے ہو, ہاں قے بھی اس کا ایک طبی حصہ ہے اس کا, حیضے کا, جو ہر حیضے میں موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں جو پہچان کے لیے الگ کی جائے. جو نمایاں پہچان والی علامتیں ہیں ہنگامی وقت کے طور پر, جہاں موت اور زندگی کا معاملہ باریک دھاگوں سے لٹکا ہوا ہو, وہاں یہ دوائیں بہت ہی نمایاں ہیں. اور اس کے استعمال سے اللہ کے فضل کے ساتھ اکثر مریض شفا پا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بعض دوائیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. گہری انفیکشن بعض دفعہ حیضے کے ساتھ اور بھی شامل ہو جاتی ہے. ٹائیفائڈ کا زمانہ ہے اور عام طور پر ایسی جگہوں میں ٹائیفائڈ کی جراثیم بھی پائے جاتے ہیں. اکیلی حیضوں کی دواؤں پر بنا کرنی عقل کے خلاف ہے. اس لیے اگر بپتیشیا کو پیش نظر رکھیں تو وہ حیضے میں بھی بہت مفید ثابت ہوگی. بپتیشیا گہری انفیکشن کی دوا ہے, جبکہ مریض کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں اور نہایت بدبودار متفن اس کی اجابت ہو, اس صورت میں بپتیشیا بہت اچھی دوا ہے. ایک اور دوا جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے کروٹن. کروٹن میں تشنج بھی ہے اور جلدی بیماریاں بھی ہیں اور کھلے کمزور کرنے والے دست بھی. سمجھ گئے ہیں؟ اور ایک دوا ہے آرسنک 30 میں یا 200 میں. آرسنک میں بھی یہ جو گہری جراثیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں, ان کے دفاع کی طاقت کافی ہوتی ہے. لیکن آرسنک کی اپنی علامتیں ہیں جو آپ کے ذہن پیش نظر رہنی چاہیے. آرسنک کا مریض شدید بے چین ہوتا ہے, لیکن اس کی بے چینی جسم سے زیادہ اس کی ذہن سے اور اس کی روح سے تعلق رکھتی ہے.
वो तकलीफ की वजह से बेचैन नहीं, तकलीफ की वजह भी शामिल हो जाती है लेकिन नुमायाँ तौर पर उसके अलावा बेचैनी है कोई, जो रूहानी बेकरारी है, एक एक अजाब में मुबतला है, हर किसी करवट चैन नहीं आता, और मौत का खौफ बहुत नुमायाँ। हर बीमारी से मरीज को मौत का खौफ तो किसी हद तक होता है लेकिन बाज दवाएं ऐसी हैं जिनमें यह तजुर्बे वाली बात है कि मरीज को बेपरवाही हो जाती है, मौत का कोई खौफ नहीं होता। उनमें बेलाडोना भी एक है लेकिन आर्सेनिक में मौत का खौफ बड़ा नुमायाँ है, एक्विनाइट में भी बड़ा नुमायाँ है, लेकिन एक्विनाइट और आर्सेनिक तो साफ पहचाने जाते हैं। हाँ, एक्विनाइट भी आवाज़ की दवाओं में बहुत अहमियत रखती है, उसको भी ना भूलें। बैप्टिशिया ना आई एम सॉरी कैम्फर सबसे पहले, काफूर जिसको हम कहते हैं, वो जहाँ काम करना करने से रुक जाए, असल में काफूर के इस्तेमाल के लिए बहुत ही जल्दी फैसले की ज़रूरत होती है। आगाज़ ही में बिल्कुल अगर मिल जाए तो काफूर काम करेगा, अगर देर हो जाए तो फिर नहीं करेगा। काफूर के बाद एक्विनाइट की बारी है, फिर एक्विनाइट निस्बतन ज़्यादा देर तक बीमारी का मुकाबला करता है काफूर के मुकाबले पर, और आगाज़ में एक्विनाइट देने से बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो ऑर्डर ये होगा, अगर शुरू में मरीज हाथ आ जाए, मरीज तक आप पहुंच जाएं, ऐसे मरीज तक जहां आसार शुरू हो गए हैं और बेचैनी है कि शायद कुछ होने वाला है, वहां कैम्फर अगर ठीक ना करे तो एक्विनाइट बार बार दें। अगर ना फायदा हो तो फिर मरीज जो भी जाहिर होगी उसका हसब इरामात इलाज, ठीक है। आर्निका और सल्फर 200 में ये रूटीन बना दें, ऐसी सब जगहों में जो काम करने वाले हैं वो भी खाते हुए जाएं और वहाँ भी आम तकसीम कर दें सब जगह, ताकि हर एक रोज़ाना खाए और दो दफ़ा भी बिशक खाई जाए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हंगामी ज़रूरत के वक्त इसको 200 में आमतौर पर तो हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी हो जाती है, लेकिन इसको मैंने दिन में 3-3 दफ़ा भी करके देखा है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो जिसका ख़तरा मोल न ले सके, क्योंकि अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो कुछ आहिस्ता देर पा नुकसान है जिसका बाद में इलाज हो सकता है, लेकिन हैजे ने तो वक्त ही नहीं देना ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि दवा की कमी की वजह से किसी मरीज को हैजा, किसी शख्स को हैजा हो जाए। कुछ ओवर डोजिंग भी होगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आर्निका सल्फर पहले और आम, और फिर कैम्फर, और फिर एक्विनाइट, और फिर दूसरी दवाएं। इसका तरीक़ ये होगा कि आप जहाँ जहाँ कैंपों में जाएं वहाँ से वॉलंटियर्स लें, कसरत से वॉलंटियर्स लें जो मुख्तलिफ इलाकों में फैलें, और अगर अहमदी वॉलंटियर्स नहीं मिलते तो गैर अहमदी लें, गैर अहमदी मुसलमान नहीं मिलते तो ईसाई लें, जहाँ से भी लें। मुकामी वॉलंटियर्स तैयार करने इंतहाई ज़रूरी है, और जहाँ उनकी एक्सेस से वहाँ आपकी नहीं हो सकती, और तादाद के लिहाज से हम बहुत सी जगहों में इतने थोड़े होंगे मुकाबलतन कि यहाँ बड़ी जमातें नहीं हैं। मसलन ज़ाइर में, उस इलाके में हमारी जमातें बड़ी नहीं हैं जहाँ ये वबा फैली हुई है, तो काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। वहाँ लाखों हैं, किस तरह संभाल सकेंगे चंद आदमी? तो ये इतने फौरी तौर पर ट्रेनिंग करें, और एक घंटे में ट्रेनिंग हो सकती है। जहीन आदमियों को बताएं, बार बार समझाएं, नाम पढ़ लें, याद कर लें, एक घंटे में नहीं 6 घंटे की ट्रेनिंग दे दें, मगर एक दिन के अंदर अंदर टीम तैयार हो जाए जो काम के लिए भी तैयार हो और आइंदा ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हो। ये फिर अपने साथ ज़रूरी चीज़ें ले जाएं, मीठे की गोलियां, ऐसी शीशियां, प्लास्टिक की शीशियों में खाली मीठा डाला हुआ, लिक्विड दवा और कुछ ये दवा, लिक्विड दवा की एक से ज़्यादा शीशियाँ होनी चाहिए, एक से ज़्यादा जेबों में, क्योंकि बाद दफ़ा ये खुल जाती है और गिर जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। तो जितने वॉलंटियर जा रहे हैं उनके लिए लिक्विड भी ज़्यादा शीशियाँ तैयार कर लें पहले, और अगर प्लास्टिक में हो जाए तो बेहतर है, बाद दफ़ा ये शीशियाँ टूट जाती हैं, और ये हैं भी बहुत महंगी असली दवाएँ। इनको साथ ले जाने की बजाय जहाँ हमने ये भेजी हुई हैं वो दवाएँ तैयार करें। ये खाली शीशी है,
इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है वेरेट्रम एल्बम 30। 100 कतरों में एक मिलाया जाता है, 99 में एक यानी 100 बना देते हैं, या 100 में एक मिला देते हैं। इसमें गालबन 70 कतरे या 80 कतरे आएंगे, इसलिए ये तरद्दुद ना करें कि 100 कतरों वाली शीशी ढूंढें। इतना मामूली फ़र्क है कि वो उसका अमलन असर के लिहाज से पता लग ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि साइंटिफिक रूटीन के तौर पर एहतियात ज़रूरी है। इसलिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सारी 100 की नस्बत को बरकरार रखती हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल दयानंदारी है उसका तकाजा यही है। अगर आपने बेचनी तो नहीं है, आपने तो इस्तेमाल करनी है। इसलिए मैं भी अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कभी भी कतरे नहीं गिना करता था। मेरी बाज़ दवाएँ जो डॉक्टर अफजल मरहूम से ली होती थी शीशियाँ, अक्सर यही थी बीटी की, वो 10-10, 15-15 साल चली हैं, क्योंकि जब वो ख़त्म होने थोड़ी सी खाली हो जाती थी मैं उसमें और लिक्विड डाल के शेक करके फिर रख लेता था। अब मैंने बेचनी तो नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी प्रेगनेंसी के नाम 1:1/3 हो या 1:1/100 हो, वो चीज़ बरकरार रहती है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के फजल से उन दवाओं ने कभी मुझे मायूसी नहीं की, मैं नाकाम हुआ हूँ लेकिन वो दवाओं ने काम किया है जब मैंने सही तशखीस की है, इसलिए तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। शीशे लें, इसमें लिक्विड डाला, एक पहले चिट लगानी ज़रूरी है, चिट लगाएं, और प्लास्टिक की शीशियों पे आम सरेश नहीं लगा करती, अगर वो आप लगाएंगे तो वो सारी धूल धुल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्लास्टिक की शीशियों के लिए प्लास्टिक की वो चीज़ चाहिए, और अगर ना हो तो फिर क्या इलाज है? अब गरीब अफ्रीकी ममालिक हैं, बाज़ जगह वो प्लास्टिक की चिटें नहीं मिलती, या उड़ीसा वगैरह में भी शायद ना मिलें बाज़ जगह। उसका मैंने ये इलाज किया था कि मज़बूत धागा DMC की डोरी जिस तरह होती है उसके साथ एक कार्ड प्रो कर उसको साथ लटका देता था, उस कार्ड पर दवाई लिख दी तो वो कार्ड फिर ज़ाया नहीं होता, दवाई की पहचान रहेगी, वरना चिट उतर जाती है। चिट वही रहेगी जो प्लास्टिक की चिट ये मसलन इंग्लिस्तान में मुहैया है। ये कितने आराम से उतरी है, मगर यहाँ से नहीं उतरेगी जब इधर लग जाएगी तो, आई होप सो। ये देखें जरा सी टेढ़ी लगी है, इसको माफ करना। ये देखें अब ये जितनी मर्जी करें सोच के नाखून से छीलें वो और बात है, लेकिन नहीं उतरती। इसका ऑर्डर भी समझ लें, यानी तरतीब, चिट लगाने से पहले लिक्विड डालें और शीशी बंद करें और अच्छी तरह पोंछ के उसको खुश कर लें। अगर बाद में लिक्विड डाला तो वो चिट को गीला कर देगा, लिखना मुश्किल हो जाएगा, और अगर लिखा हुआ है तो मिट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अल्फाज में मजिंग ना हो, जो मिटने देते हैं लिक्विड से। पहले क्या ऑर्डर है? पहले लिक्विड डाला, आम लिक्विड दवाई वाला नहीं, फिर खुश करके बंद करके ढकना, उस पर चिट लगाई, फिर नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद उसको एक तरफ रखते चले जाएं। जब आप तैयार हो गए तो फिर एक शीशी जिस नाम की है उस नाम की शीशी उठाई और उसमें एक कतरा डाल दिया। अब यूं करके आप ये जो दवाएँ हैं इनमें से कतरा अमूमन गिरता है, बाद दफ़ा 5-4-5 भी गिर जाते हैं, इसलिए अब देखें कितने गिरते हैं, बाद दफ़ा नहीं भी गिरते। इसलिए अब इसलिए एहतियात तजुर्बा है, कुछ एहतियात। अब अगर इसमें 4-5 पड़ गए तो थू मारी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, 5 ही सही। ये भी दवा 30 में ही है ना, अगर सारे भी इसी के हों तभी नुकसान कोई नहीं, तो डरने की क्या बात है। मगर कोशिश ये करें दवाई बचाने की खातिर कि एक कतरा, और एक कतरा काफ़ी होगा। वो डाला, इसको वापस किया, इसको बंद किया,
दो काफ़ी होती हैं, दो ही कहते हैं, मगर मैं तो कई दफ़ा ज़्यादा कर लेता हूँ एहतियातन। और इस पर नाम वगैरह पहले लिखा हुआ है, अब सिर्फ टिक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब इसको टिक कर देंगे तो ये कन्फ्यूज नहीं रहेगा कि मैंने इसमें डाली थी कि नहीं, वरना हमेशा हो जाता है। काफ़ी मुझे भी मुश्किल पड़ा करती थी पहले, अफरा तफरी में इधर उधर रखी गई, अब ये नहीं पता लगा इसमें डाली थी कि नहीं, और दवाई है या बगैर दवाई के पानी है। तो एहतियात के तौर पर उसको टिक कर दें तो अब मुकम्मल है ये एक तरफ रखी गई शीशी। इस तरह पहले लिक्विड शीशियाँ बना लें। मीठे के लिए मीठे की गोलियाँ अमूमन तो मुहैया गालबन नहीं होती अफ्रीका में, लेकिन हमने मीठे की गोलियाँ बनाने और प्लास्टिक शीशियाँ बनाने के लिए अफ्रीका में इंतज़ाम किया, गाना में इंतज़ाम किया है। गाना वाले मुमकिन अब तक कार्रवाई कर चुके हों, मैंने हदायत लिख के भिजवाई थी उनको कि जो ये दवाएं, हर किस्म की ज़रूरी दवाएं, उसका बनाने का इंतज़ाम और सिस्टम और लिक्विड और गोलियाँ, ये तमाम अहम ज़िम्मेदारियों में भिजवाएं, उनका फ़र्ज़ है वो उनको भिजवाएं। और हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक सेक्शन कायम किया जाए जहां ये चीज़ें रखी जाएं। तो अगर ज़ाहिर को नहीं पहुंची तो वो फ़ौरन रब्ता करें गाना से और फौरी तौर पर उनसे मंगवाएं। गाना में ज़फ़रुल्लाह साहब भी होम्योपैथ, जो हमारे वाकफ़ ज़िंदगी होम्योपैथ हैं, उनकी बेगम भी खुदा के फ़ज़ल से वाकफ़ ज़िंदगी होम्योपैथ हैं, और दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अपने महदूद दायरे में अपने गाना के लिए तो हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने उनको कहा था कि मैं आपको गाना के लिए नहीं बल्कि सारे अफ्रीका के लिए भिजवा रहा हूँ, उसमें कोई उनसे सुस्ती हुई है, तो उम्मीद है अगर अब तक वो ठीक ना की हो तो अब वो ठीक कर देंगे। मैंने उनसे कहा था कि अगर मुझे कहीं गाना से इतला मिली कि मेरे पास दवाइयाँ नहीं हैं और बना नहीं आता, तो आप ज़िम्मेदार हैं, आपका काम है आँखें खोल कर इस ज़िम्मेदारी को अदा करें। और वैसे बड़े ज़हीन हैं और इजादात का शौक़ भी है, सलीका भी है, चुनाचे उन्होंने वो मशीनें जो यूरोप से हम लेके भेजते तो बहुत ही महंगी बनती, उन्होंने वहाँ ख़ुद ही बनवा ली हैं, गोलियों वाली भी, प्लास्टिक शीशियों वाली भी, और अब हमें बाहर से भिजवाने की ज़रूरत नहीं। बस वो वहाँ से बड़े साइज़ की शीशियाँ भी और छोटे साइज़ की भी ये कसरत से भिजवाएँ, और गोलियां बना बना के भिजवाएं कसरत से। लेकिन जहां गोलियां ना पहुंच सकें या ज़रूरत ज़्यादा हो, वहां मीठे में ही आम सादा मीठा लें और उसी में दवाई बना लें, कोई नुकसान नहीं है। और मेरा ज़ाती तजर्बा है, बहुत सारी जगहों में जब मैं सिंध वगैरह में दौरे पे होता था, गोलियां ख़त्म हो गई, मैं मीठा मंगवा के उसी से शीशियाँ भर लेता था और दवाएँ काम करती थी। लेकिन मीठे में एक बार दफ़ा ख्याल होता है कि एक तो तेज़ मीठा होता है, गोलियां ज़रा और तरह की होती हैं, दूसरा उसको डिस्पेंसेशन मुश्किल है, कहीं ज़्यादा मीठा पड़ गया कहीं कम मीठा पड़ गया, चंद गोलियां जिस जितना आसानी से दी जा सकती हैं, मीठे में ये दिक्कत है। तो मीठे में इस्तेमाल कर लें बेशक। अब ये है इंस्ट्रक्शन सबसे अहम, पाकिस्तान के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी, यूरोप के लिए, यूरोप में तो नहीं, अफ्रीका के सब मुल्कों के लिए, अपनी दवाइयां हासिल करें और जल्द से जल्द काम शुरू करें और फिर मुझे रिपोर्ट करें कि हम पैगाम मिल गया, समझ गए और काम शुरू हो गया है। और टीमें मुकामी तैयार करने ना भूलें, क्योंकि बहुत वसी पैमाने पर काम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। अब वक्त ख़त्म हो गया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, आप